आज वैसे वीरू भाई, जैसे कि आपने कहा, पूरन को अगर कोई थोड़ा सा सपोर्ट भी करता, नॉट इवन मैच व्हाट ही वाज डूइंग, तो शायद ये निर्णय दूसरा हो सकता था। लेकिन पूरन, वीरू भाई, सब कुछ जो भी कमेंटेटर देख रहा था, एवरीथिंग मिडिल ऑफ द बैट, और फास्टेस्ट 50 ऑफ द टूर्नामेंट भी 17 गेंदों में आई थिंक उन्होंने अर्धशतक मारे, मतलब दिखा दिया कि वो अटैकिंग बल्लेबाज जबरदस्त क्यों है। बिल्कुल, नो डाउट, उनका टैलेंट किसी और से कम नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आगे ही है वो टैलेंट वाइज। और जिस तरीके से एफर्टलेस छक्के मारे उन्होंने, पहला ओवर जो अभिषेक शर्मा ने डाला, पहली दो गेंदों पर दो छक्के लगाए, कमाल के शॉट्स थे उनके। तो मैं यही कह रहा था, अगर उनके साथ कोई बैट्समैन खड़ा रहता तो वो अकेले दम पर मैच जिता सकते थे, बट ये नहीं हो सकता कि वो अकेले रह जाए टैलेंटर के साथ। जब वो बैटिंग करने आए तो फिर उनको टैलेंटर को भी बचाना है, रन भी बनाने हैं, जो कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये लास्ट के 3 ओवर होते, 30 रन या मैं कहूँ 40 भी होते, तो फिर ये टैलेंटर के साथ खेलते तो वो बना सकते थे, क्योंकि फिर उनको मालूम है कि 5 गेंदे उन्होंने खेलनी है, 5 पे चौका या छक्का लगाने हैं, 1 या 2, और फिर लास्ट बॉल पे सिंगल ले लेना है ताकि 10-11 रन बनाकर अपने पास स्ट्राइक रखे। बट क्योंकि ओवर बहुत थे, रन रेट बहुत ऊपर था, तो उनको मालूम था, और वो कैलकुलेशन सही कर रहे थे, क्योंकि 2 ओवर अभी भी जो उनका 5वां गेंदबाज है उसके डलने थे। तो अगर वो रुक जाते तो वो जो 5वां गेंदबाज 2 ओवर डालता उनके में, वो 20-20 रन, पहले भी उन्होंने शायद समद के ओवर में उन्होंने 25-30 28 रन मारे थे, तो वो वहां से गेम चेंज भी कर सकते थे। बट यही है कि अगर जब टैलेंटरों के साथ खेलते हो और ज्यादा ओवर होते हो, फिर बचाना मुश्किल हो जाता है मैच, क्योंकि आपको ये भी सोचना है कि उसको आउट भी नहीं करना, उनको स्ट्राइक भी नहीं देनी, आउट भी नहीं होने देना, और खुद रन भी बनाने, वो थोड़ा मुश्किल है। बट यस, एक बैट्समैन भी अगर उनके साथ रुका होता तो ये बात कुछ अलग होती, क्योंकि मुझे एक खुद का एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। हम लोग 170 या 180 कुछ चेज कर रहे थे हैदराबाद के खिलाफ, हम लोग 3 आउट हो गए थे पावर प्ले में 20-30 रन पे, और हम लोग फिर चेज कर रहे थे, तो मेरे साथ इरफान पठान खड़े थे, तो मैंने उस मैच में 119 रन बनाए। लेकिन अगर इरफान पठान नहीं होते मेरे साथ, अगर कोई टैलेंटर शुरू हो जाते, तो मेरा माइंड भी ये कहता है यार मैंने टैलेंटर को भी बचाना है, मैंने रन भी बनाने हैं, खुद भी आउट नहीं होना है, तो फिर वो प्रेशर अलग होता है, फिर आप उसमें गलती करते हो और आउट हो जाते, तो बैट्समैन होता तो बच जाते। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। हालांकि अनिल कुंबले ने आज बोला है कि अगर क्रिस गेल बीमार नहीं होते तो आज वो खेल रहे होते, और खेल रहे होते तो हम लोग मैक्सवेल के बारे में बात नहीं कर रहे थे।